बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौजूदात आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो मौजूदात आपने देखे हैं उसमें कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा है, पहले है और सबसे अहम भी है, इस लिहाज से है कि सारी दुनिया में इस वक्त में जो दुनिया के कोई 150 या 152 ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है और तादाद भी उनकी हलाकतों की तादाद जो है 5,840 पर पहुंच चुकी है। और साइंसदानों को ये एक अच्छी खबर जो है, दो तीन अच्छी खबरें हैं, हम आपकी खिदमत में बयान करना चाहते हैं। एक तो ये कि साइंसदानों को वायरस की एंटीबॉडी मिल गई है और इस तरह से इसका कोरोना वायरस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, चीन ने इस पर कंट्रोल पा लिया गया। दूसरी बड़ी खबर ये है कि चीन में कोरोना वायरस रिवर्स हो गया है और पाकिस्तान के अंदर अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि यहाँ पर कोई ऐसी सरगर्मियाँ सिवाय PSL के या हमने जो ऑफिशियल पाबंदी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं उसके अलावा पाकिस्तान में कोई बड़ा केस मैंने सामने नहीं आया है। और पाकिस्तान के अंदर जो आपको हसल बसल नज़र आ रही है, हम उसका मनाजिर आपको दिखाना चाहते हैं, फ्रांस के, थाईलैंड के, लंदन के। और लंदन में एक बुरी खबर है कि मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना है और वहाँ पर बहुत घबराहट है, वहाँ पर सामान ज़रूरियात की कमी पैदा हो गई है। लेकिन हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है, एक और बात हम कहना चाहते हैं कि अबिल आखिर ट्रंप ने गॉड से रिजू कर लिया है। मैं लफ्ज़ गॉड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस है। मुसलमान गॉड का की वजह हम ये कह रहे हैं कि गॉड की कोई मोनस मौजूद है, गॉडस, हम अल्लाह का कोई मोनस कोई मौजूद नहीं है, अल्लाह की कोई मोनस नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिर्फ एक वाद है, ला शरीक है, उसका कोई किसी ना उसने किसी को किसी ने उसको पैदा किया ना वो कोई जो है, वो सारी दुनिया खालिक वो है। तो अब इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 15 तारीख जो है वो ट्रंप ने अल्लाह के इसके से रुजू करने का फ़ैसला किया है, लेकिन दुनिया के तमाम यानी 57 इस्लामी ममालिक में से किसी एक मुसलमान मुल्क को भी ये तौफीक नहीं हुई है कि वो अल्लाह से रुजू करें। वो गॉड से रुजू कर रहा है, हम अल्लाह से रुजू नहीं कर पाए हैं जो कि हमारा खालिक व मालिक है और जिसने हमें बचाया हुआ और जिसकी वजह से आज सारे कराची को देख लें जी, तो वो जी। जो सारी दुनिया की जो सारे मैंने जो मुल्कों की हैं यानी लंदन, फ्रांस, थाईलैंड, तो इसके बाद में दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आपको फौरी तौर पर हमें पाकिस्तान के सदर को कम से कम ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि अल्लाह के शुक्राने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और अल्लाह से दुआ करें कि इससे इस वर्ष से निजात दी जाए। अगर से अब उलमाए कराम काम कर रहे हैं, हर गली कूचे के अंदर ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन कोई भी खौफ नहीं है। हमारे अपने चैनल में हमारे लोग बाग जितनी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं वो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम का जो मोहब्बत का जो पैगाम है वो हम हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस जो है वो आज कोई नई पैदावार नहीं है, ये कोरोना वायरस जो है एक किस्म की एक स्ट्रॉन्ग एक वायरस पैदा हुआ है, इसको COVID-19 कहते हैं। और COVID-19 की में जो हलाकत यानी जो तेज़ी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा इससे पहले जो कोरोना जो आम वो कोरोना है जो कि आम तौर पर मिलते रहे हैं, वो कोरोना जो 229E अल्फ़ा उसका नाम था, 4 वायरस और हैं, कोरोना NL63 अल्फ़ा, कोरोना OC43 बीटा, कोरोना HKU1 बीटा, ये 4 वायरस दुनिया के अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब जो हमारे यहाँ पर भी नस ने जो है वो इसके इसका जो है जो जो टेस्ट का जो तरीक़ाकार है वो वज़ा कर लिया है, ये भी एक अच्छी खुशखबरी है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो इसके टेस्ट के जो है, दूसरी फिर जो गर्मी की शिद्दत आ रही है तो 28 डिग्री के ऊपर तो ये रह ही नहीं सकता है कोरोना जो है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा और हमारे पर मुसीबत टाल देगा। जी अब बात कर लें, आप अपने नुमाइंदे को ले लें, तो हम शुरुआत करते हैं कोयटा से, करें जी वहाँ पर अब्दुल गनी कागड़ साहब हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अब्दुल गनी कागड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गनी कागड़ साहब, क्या सूरत हाल है कोयटा बॉर्डर पर, ताफ्तान पर, जो कि वहाँ पर ज़ायरीन जो आए हुए हैं उनको पहले अभी सखर सुना तब्दील कर दिया गया है, फिर वहाँ पर हमारे हुकूमत सिंध में वज़ीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा है, उनके जो ब्लड टेस्ट जो आए हैं उनमें ज़्यादातर लोगों के क्लियर हैं,
اور کچھ لوگوں میں کرونا وائرس موجود ہے تو ان کو ہولڈ کیا ہے، باقی سب کو ریلیز کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بتائیے کہ وہاں پر تافتان میں کیا صورتحال ہے اور کوٹا میں کیا خبر ہے اس کی؟ دیکھیں مرزا صاحب، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات تو بڑے پیمانے پر کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کی سطح پر جو اعلانات سامنے آئے ہیں وہ اعلانات کسی حد تک اطمینان بخش بھی ہیں، لیکن اوور آل اگر اس صورتحال پر بات کی جائے تو اس وقت بلوچستان سے متصل جو پاک ایران اور پاک افغان سرحد ہے وہ تو ایک زاویے سے بند ہے، اور یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان سرحدوں کی بندش سے یہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن اوور آل یہ جو صورتحال ہے اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں جن کو تحال ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اور ہمسایہ ممالک سے بلوچستان اس وائرس کی جو منتقلی ہے وہ روکنے کے لیے ابھی تک مزید ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جن کو اس پہ ابھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں وہ بھی ناکافی، اس وقت جو متعلقہ ماہرین ہیں ان کے بقول وہ ناکافی ہیں۔ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں کہ یہاں پہ جو سکریننگ کا عمل ہے وہ جاری ہے، سرحدوں پر نگرانی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو الیگل پوائنٹس ہیں وہاں سے تو یقیناً انٹری جب ہوتی ہے تو باقاعدہ وہاں پہ جو مسافر آتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں پاکستان کے ایران کے اندر خاص کر اگر بات کی جائے، تو وہ لوگ جب ان ہوتے ہیں ان کی سکریننگ وغیرہ کی جاتی ہے، پھر ان کو وہاں پہ جو کوارنٹائن فیسلٹیز ہیں وہاں پہ موو کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی وہاں پہ پراپر چینل پہ جس طرح ایک سکریننگ کا عمل جاری ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سرحد ہے جو غیر محفوظ سرحد ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ، اسی طرح پھر افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہے، ان دونوں سرحدوں پر جو انلیگل پوائنٹس ہیں جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ بدستور جاری ہے، اس آمد و رفت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ ابھی تک کوئی ایفرٹ نہیں سامنے آئے ہیں۔ لوگوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو ایک بڑے پیمانے پر بریک آؤٹ ہوگا جس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اس پہلو پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے مرزا صاحب، بلوچستان میں دارالحکومت کے اندر خاص کر اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ حکومت جب اعلان کرتی ہے کہ یہاں پہ تمام جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں لوگوں کو، لیکن ہم نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ کئی جو سرکاری اہلکار جو اس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں متعلقہ علاقوں میں، ان کی جانب سے یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ وہاں ان کو بھی جو N95 ماسک ہیں وہ ان کو باقاعدہ ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ یہ شکایات عام لوگوں کی تو ہیں ہی، لیکن جو سرکاری اہلکار ہیں جو زیادہ ونریبل ہیں اس وائرس کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایسے مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں جہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں ان لوگوں کو چیک کرنے کے حوالے سے، پھر اسی طرح ایسے لوگ جو مشکوک لوگ ہیں جن پہ یہ شبہ ہے کہ وہ اس وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو جب وہ موو کرایا جاتا ہے متعلقہ فیسلٹیز میں، وہ لوگ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں، ان لوگوں کو یہ ماسک مکمل ان کو فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے، اس کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے مرزا صاحب، کوئٹہ کے اندر اور بالخصوص اگر ہم بات کریں تو پورے بلوچستان میں ایسے سینکڑوں کی تعداد میں مدارس قائم ہیں جو افغان مہاجر رن کرتے ہیں جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، ان مدارس کو تحال بند نہیں کیا گیا ہے، ان کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو وفاق المدارس سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے لہٰذا ہم اس حکم نامے کو نہیں مان سکتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی مومنٹ ہوتی ہے اس صورتحال کو یہاں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ ہمارے جو افغان سرحد پر جو ہماری جو ہم لگا رہے تھے باڑ، کیا وہ مکمل ہو گئی ہے یا ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں مرزا صاحب، اکثر پوائنٹس پر تو وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن وہ باڑ ایسی ہے کہ اس باڑ سے ان لوگوں کی موومنٹ کاؤنٹر نہیں ہو سکتی جو انڈیویجول کیپیسٹیز میں وہاں پہ موو کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ وہ غیر قانونی جو روٹس ہیں ان روٹس سے لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ اور ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ بالخصوص ہماری جو وابستہ سرحد ہے چونکہ وہ انتہائی غیر محفوظ ہے اور ایک بندرک وہاں بھی غیر محفوظ سرحد قرار دیا گیا ہے، وہاں سے یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے، سمگلنگ میں جو ملوث لوگ ہیں خاص کر ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی جو سمگلنگ کرتے ہیں، وہ ان روٹس کو پھر مشکل کے ساتھ بلوچستان کی جو سرحد ہے اس لیول پہ وہاں پہ وہ جاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کاروبار بدستور جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی یہ اطلاعات ہمیں سامنے آئی، ہمیں اس میں تو پھر ہمیں چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کرنی پڑے گی، جو غیر قانونی طور پر تاریکین وطن جاتے ہیں۔ کاغذ صاحب رکیے آپ ذرا، ایک منٹ کا سلسلہ بھی اس طرح پر ابھی بدستور جاری ہے غیر قانونی، کاغذ صاحب میری بات آپ جو ہے یہاں سے جب جاتے ہیں اور واپس ان کو جب پکڑا جاتا ہے واپس جاتا نہیں کیا، میری بات سنیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس وقت چیف آف آرمی سٹاف سے یہ درخواست کرنی پڑے گی کہ مشقے سے جو کہ ایرانی ڈیزل اور تیل آ رہا ہے اس کو روکنے کا آپ وہ انتظام کریں، اس لحاظ سے کہ کیا تو وہاں قرنطین لگائیں اور یہاں جو عام زائرین ہیں ان کو تو آپ نے روکا ہوا ہے،
लेकिन जो स्मगलिंग हो रही है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, ये क्यों? ये सवाल हम छोड़ रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये जो आपने एक अहम इत्तला दी है कि मशके के रास्ते से जो तेल ईरान से आ रहा है या स्मगलिंग हो रहा है उसको रोकें, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो इसको रोकें। जी हम उससे दरख्वास्त करते हैं। जी चलिए जी, आमदनी का मामला है भाई, आप देखिए अच्छा, रुकेगा ना, जब अच्छा, किसानों को बचाना है तो रोकना पड़ेगा। एक और मामला भी है जी, एयरपोर्ट में एएसएफ और एफआईए इमिग्रेशन अमला, उन्होंने तो एएसएफ वालों ने एहतजाज किया, उनको तो मास्क फराम हो गए, लेकिन उन दो इमिग्रेशन और एफआईए वो अभी महरूम है कुछ, उनके यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए मसला ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इस बात पर सवाल हम ये करते हैं कि ये सिर्फ बातें मिलाती है और इसके अंदर कुव्वत नाफ़ज़ा बिल्कुल नहीं है, इसमें यानी हुक्म देने के तरीके भी इमरान खान को नहीं आते हैं। पर यह है कि जो ज़ायरीनों की हमारे पास एक वीडियो अच्छा। क्लिप आई है, वो वीडियो क्लिप में वो कह रहे हैं कि साहब हमें कैंपों में रखा जा रहा है। भाई अब खेमों में तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर तो कोई इमारत तो अभी नहीं बनाई जा सकती फौरी तौर पर, हम कोई चीन नहीं है, अब ज़ायरीन को थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि भाई उन्हें डबल खेमे में रखो ताकि उनको सर्दी ना लगे बेचारों को, तो इसमें क्या मसला है, ऐसी क्या बात है कि जो आप ना कर सकते हो? भाई आपके पास जो खेमे हैं उस खेमे को डबल कर दो ताकि उनको सर्दी की वो जो है आरामदेह बन जाए उनके लिए। वो अच्छा वो वीडियो चल रही है वो, लेकिन हवा इतनी तेज है ना तो जाहिर है जो कुछ भी हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई उनकी शिकायत आई है हमारे पास मेरे साहब जायरीन की, तो हम कहते हैं कि वो बात शिकायत आप दूर करें। बास चीज़ें जब इंसान सफर पर जाता है खुद अपनी भी तैयारी करता है भाई। देखिए अब ये तो ये तो एक नागहानी आफत है जिसकी वजह से उन बेचारों ने खेमों की तैयारी की थी, वो समझा था भाई वहाँ से बैठेंगे बस में कोटा पहुँच जाएंगे, गर्म कपड़े ब्लैंकेट ये तो होता है ना भाई। देखिए वो भाई जब वो ऐसे जगह खुली मैदान में होते हैं वो नाकाफी होते हैं, क्यों जिद करते अच्छा। हो ऐसी बातों पे जो एक इंसानी मामलात होते हैं, इंसान की नागहानी पे तो वैसे अल्लाह पर सब अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने बड़ा काम किया है, बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट उस तरह नहीं आ रही जैसे उसका फर्ज है। भाई अगर कितने आदमी है यार, 4-5-10 हज़ार आदमी यार, कौन सी बड़ी बात है? अगर अगर आप जो बलूचिस्तान हुकूमत काम कर लेगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? बिल्कुल अच्छा, कराची की क्या भाई, आप के खेमे को डबल कर दे ट्रिपल कर दे, क्या मसला है आपके पास? खेमों की बड़ी तादाद मौजूद है आपके पास। अच्छा कराची की क्या सूरत हाल है? हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल कदीर राणा साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अब्दुल कदीर राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए क्या हाल है कराची की? हसल बसल कराची में तो बहुत, मैंने गाड़ियों की और कोई बाजार बंद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्या है मसला है जी आप बताएं? नहीं बिल्कुल, एक नफसियाती दबाव जरूर है, लोगों में खौफ भी पाया जाता है काफी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो एक सोशल मीडिया पर, आम मीडिया पर नहीं सोशल मीडिया पर खबर चली कि कराची को शायद लॉकडाउन कर दिया जाएगा, और ये इस चीज में कराची के शहरियों को काफी परेशान किया, और उसके बाद रात के वक्त फिर जो सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा बयान जारी किया गया इस हवाले से कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हमने तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल है, लेकिन उसकी हुकूमत का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि शहर को लॉकडाउन कर दिया जाए या कोई पैसा खर्च, और ना ही ऐसी सूरत हाल है लॉकडाउन करने की, अगर ऐलान भी किया तो क्या नाम है वो उसका बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाएगा, इसकी सख्ती से तरदीद कर दी गई थी, थोड़ा सा फिर लोग रिलैक्स हुआ। गुज़िश्ता रोज काफी लोग पैनिक के अंदर थे इस सूरत हाल की वजह से कि शायद कोरोना कोई ज्यादा बढ़ गया है, उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा, बिल्कुल हुकूमत के जो इकदाम है पूरे पाकिस्तान में इकदाम देखने में आ रहे हैं, न सिर्फ कराची बल्कि ओवरऑल पूरे सिंध के अंदर जो है बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जो ईरान से ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए सखर में आइसोलेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए, बाकायदा जितने भी ज़ायरीन ईरान से आएंगे वहां पर उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके अलावा कराची के लिए जो है इमरजेंसी के तौर पर एक कराची से बाहर हॉस्पिटल है उसको मुख्तस कर दिया गया है, उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज जो है आईसीयू के साथ वो उसके साथ तैयार किया गया है, 220 बेड का गुज़िश्ता रोज जो है सिंध हुकूमत की जानिब से ये बताया गया था। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत का ये कहना है कि दो ऐसी इमारतें हैं उनका एड्रेस नहीं बताया, लेकिन ये बताया गया कि ऐसे जिनमें जो है तकरीबन 1024 फ्लैट्स हैं तो उसको भी जो है उन दोनों इमारतों को मुख्तस कर दिया गया है इमरजेंसी के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें 2000 से ज्यादा जो है मरीज जो है फीकस एक कमरे के अंदर उनको रखा जा सकता है। शुक्रिया जनाब राणा अब्दुल कदीर राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा देखिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी बेहतर है और हम उनको ये गुलशन मेमार की तरफ ना फ्लैट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, वहाँ उन्होंने तैयारी की हुई है, वो गड्डा टाउन कहते हैं उसको,
तो वहाँ उन्होंने तैयारी की हुई है और दो बिल्डिंग किराया ले ली है उन्होंने, दो हजार वो फ्लैट से हैं गवर्नमेंट के, जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह खैर करेगा। हाँ इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा आपने नेमतें बहुत ज्यादा हैं अल्लाह की, आपका आप शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह ताला की इतनी नेमतों का जो आपको दी हुई है अल्लाह ने। अच्छा ये भी मेरे साहब मुख्तलिफ महलों में ना दुआएं हो रही हैं, एहतमाम किया जा रहा है कुछ, लेकिन जो तो बात कल आपने जो वीडियो चलाई है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो बहुत अच्छी वीडियो है, उन्होंने ये बात कह दी है। और फिर लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं ये जो इस्लामी तरीका है वो, क्योंकि उसमें एक नुकसान ये हो रहा है कि इंडिया में ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जो हम नमस्ते करते हैं वो तरीका इख्तियार करें, तो हमारा तरीका अच्छा है, तो उस तरीके को मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं हाथ मिलाता हूँ इसलिए। आप सलाम कर रहे हैं किसी को, कोई नहीं, तो कोई बात नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं होगा, आप ये देखिए आप ये उसने अपना ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, देखिए अब ये तरीका जो है ये आप ये नमस्ते का जो तरीका, मैं तो इस वक्त नहीं कर रहा, पहले ये सिंध में हमारे यहाँ आम तौर पर हाथ बांधने का तरीका है जिसके मतलब नमस्ते नहीं होता है, वो भी सलाम वो आजी का तरीका, आजी का तो हमारे यहाँ पर तो हमने वो तरीका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन कल से हमने छोड़ दिया है, जब से वो उन्होंने हमने देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा ये नमस्ते का तरीका वो दुरुस्त था, आज 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 वो फिर दिखा रहे बड़े बड़े लोगों को कि साहब जो मिल रहा है साइंसदान मिलाते हाथ खींच लेते हैं जी, कोई मिलाता है कोई सदर आ रहा है यूरोप में तो आम सी बात, आम बात हाथ उठा रहे, तो अब वो नमस्ते कर रहे हैं ऐसे, तो हम इसको तोड़ना चाहते हैं इस नमस्ते के स्टाइल को, और हम कहते हैं कि ये गलत है और हम हाथ मिला रहे हैं, हम कोई परवाह नहीं कर रहे हैं किसी बात की, क्योंकि कोरोना हमारे हमारे विल से ज्यादा ताकतवर नहीं है और हमारे ईमान से ज्यादा ताकतवर नहीं जी, है। अच्छा जी। बिल गेट्स ने एक सेमिनार में 2015 में कुछ जिक्र किया था वायरस का, भाई एक दो एक तो वीडियो ऐसी भी आई है कि और उससे क्लिप हम चलाते हैं, सद्दाम हुसैन से ये कहा गया, सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि मुझे ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आप पर कोरोना से हमला कर देंगे, अब ये आर्टिफिशियल है या सही है मालूम नहीं है, लेकिन एक वीडियो मेरे पास वो भी आई है जी। अच्छा खैर अभी ये बिल गेट्स की वीडियो दिखाते हैं, इसके साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे, फिर ब्रेक से आगे फिर उसका आप तर्जुमा बता दीजिएगा जी। नाज़रीन ये वीडियो देखिए, वीडियो के बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। टुडे द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ग्लोबल कैटास्ट्रोफी डजंट लुक लाइक दिस, इंस्टेड इट लुक्स लाइक दिस। इफ एनीथिंग किल्स ओवर 10 मिलियन पीपल इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, इट्स मोस्ट लाइकली टू बी अ हाईली इंफेक्शियस वायरस rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well-trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries.
That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب. وہ ویڈیو جو ہم نے چلائی تھی, اچھا جی اس کا ترجمہ ہم ہلکا پھلکا ترجمہ بتا دیتے ہیں آسان. اس نے کہا ہے کہ آئندہ سالوں میں دنیا میں 10 ملین لوگ مارے جائیں گے جو میزائل یا مہلک ہتھیاروں یا ایٹمی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ وائرس کے ذریعے ہلاک ہوں گے, جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے. لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, جس سے کرونا وائرس پھیلے گا. یہ اس طرح ہوگا جیسے یعنی اسپینی فلو 1918 میں پھیلا تھا, جس سے 30 ملین لوگ ہلاک ہوئے تھے. 30 ملین کا مطلب ہے 3 کروڑ. جی 3 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اب دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کسی وائرس سے متاثرہ لوگوں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں, ان کا علاج کر سکتے ہیں. ڈرگس اور میڈیسن میں بہت جدید ایجادات ہو چکی ہیں. تیز آگاہی مہم کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جا سکتا ہے. ہمیں وائرس سے نمٹنے کے لیے تیز رفتار موبائل ہیلتھ یونٹ تیار کرنے ہوں گے. ریڈیو کے ذریعے احتیاطی اقدامات کا ابلاغ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے صحت کا نظام ہونا چاہیے. اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچے کو ویکسین کے انجیکشن لگتے رہیں گے. جدید ٹیکنالوجی کے مطابق میڈیکل ٹیم کو تیار رکھیں گے اور میڈیکل اور آرمی کی مدد سے لوگوں کو فوری علاج کر سکیں گے تو وائرس پہ قابو پا لیں گے. 2001 میں جراثیم پر ریسرچ ہوئی, جس سے بہت سے ویکسین تیار ہو چکی ہیں. ہمیں ایپیڈیمک کے لیے تیار رہنا, وبائی ایپیڈیمک مانا وبائی مرض کے پھیلنے سے کے لیے تیار ہونا ہوگا. یہ بات کئی سالوں پہلے اس نے انہوں نے کہی تھی. اور اب یہ کرونا وائرس کو نیا نہیں ہے. یہ بات میں نے جیسے کہا, ایک میرے پاس کلپ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے صدام حسین کو کہتے ہوئے کہ ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہم کرونا سے آپ پر حملہ کر دیں گے. اب اس کی جب تک ہم اس کو چلا نہیں سکتے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے. جی بہت آگے چلیں. جی اب میں چاہتا ہوں کہ اون شرازی صاحب کو ہم لے لیں اسلام آباد سے. تو شرازی صاحب کو لے لیں گے تو اسلام آباد سے فیڈرل گورنمنٹ کے کیا اقدامات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اون شرازی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی اون شرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. جی آپ کیا صورتحال ہے؟ وفاقی ٹیم نے وفاقی حکومت نے میڈیا ٹیم کو تشکیل دیا ہے اور غیر مصدقہ اطلاعات کو روک تھام کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو اب آپ فرمائیں کہ کیا آپ صورتحال دیکھتے ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں؟ جی دیکھیں بالکل, ایک چیز تو ہے کہ ابھی تک اس انداز میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں کیسز تو رپورٹ نہیں ہوئے ہیں, لیکن ایک یہ ضرور ہے نصرت مرزا صاحب کے لوگوں میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے. ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں, دفاتر میں دیکھا ہے, عام مارکیٹوں میں دیکھا ہے. آج عام مارکیٹوں میں بھی وہ رش نظر نہیں آ رہا جو ویکینڈ پہ ہوتا ہے, لوگ خریداری کے لیے نکلتے ہیں. دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بڑے سٹورز ہیں ان میں سے آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں وہ جتنے انہیں ضرورت ہے اس سے دگنا یا 3 گنا چیزیں خرید رہے ہیں, کیونکہ کوشش یہ ہے کہ کچھ گھر میں سٹاک کر لیا جائے. تو اس وجہ سے اب آہستہ آہستہ یہ معاملہ بھی سامنے آتا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز آگے کنٹینیو کرتی ہے تو پھر خوراک کا بھی کسی حد تک مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. لوگوں میں پہلے کسی کیفیت ہے اور لوگوں کو ہم یقینی طور پہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ مشورہ دیں گے کہ اس انداز میں جو ہے 2 گنا 3 گنا چیزیں نہ خریدیں, کیونکہ اس سے پھر چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. جہاں تک کرونا کی بات ہے تو گزشتہ روز 5 ایسے کیسز تھے جو ابتدائی طور پہ اسلام آباد کے جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں سے آئے. 4 جو بیرون ملک سے لوگ آ رہے تھے ان میں تھا, اور 1 وہاں پہ جو اٹینڈنٹ تھا ملازم تھا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اس میں ہوا. یو ایس کی جو خاتون ہے اس کی حالت جو وہاں سے آئی تھی اس کی حالت انتہائی سیریس ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے پھر اس میں, لیکن ابھی اکا دکا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تاہم کچھ بڑے لیول پہ ابھی کوئی اسلام آباد کی بات کریں یا راول پنڈی کی بات کریں تو اس طرح بڑے لیول پہ کچھ بڑی تعداد جو ہے ابھی تک سامنے نہیں ہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا جو ہے کوئی یہ پہلا کیس کرونا نہیں ہے. اس میں 4 اس کے کرونا کے ہیں جو میں پہلے اپنے گفتگو میں ذکر کر چکا ہوں. اس میں کرونا 229E الفا ہے, اور کرونا NL63 الفا, کرونا OC43 بیٹا, کرونا ایچ کیو
BQ1 beta, ये वायरसेस चार कोरोना के पहले से मौजूद है। ये जो आया है COVID-19 जो है, ये ज़रा हैवी, ज़रा सख्त है और ज़्यादा मौलिक है, लेकिन ये भी अपने तौर पर आप हम कोशिश ये करें कि ये जो पैनिक फैलाया जा रहा है मीडिया के ज़रिए से गैर ममालिक में, और वो अपना सामान जो बेचना चाहते हैं डिटोल और दूसरी चीज़ें वो बेचने के लिए, तो ये आप COVID-19 जो है ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। तो अभी एक ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि SAARC के हवाले से जो मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह से लीडरशिप को लेना चाहता है SAARC ममालिक की हेल्थ के हवाले से, कि उसने एक कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है जो जो आपका टेली जो मवासलाती निज़ाम के ज़रिए से, और हमारा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक है, इसके बारे में आपके पास क्या इत्तला है? इस वक्त शुरू है कॉन्फ्रेंस जी। जी बिल्कुल, इस हवाले से हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो एक अपने तकरीब से खिताब किया था उसमें उसने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि SAARC ममालिक मिल के इसके खिलाफ लड़े, लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी है जो SAARC को हमेशा से पाकिस्तान में जब SAARC का इनेकाद होना था तो उस वक्त तो इन्होंने जनाब आने से इनकार किया था। अब तो ये दुनिया को सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम कितने सीरियस है और हम कितना इस एक आलमी किस्म की वबा को रोकना चाहते हैं, और एक तरह ये भी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस जरिए से एक इंसान दो शख्स की अपनी जो है वो एक पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है जो यकीनी तौर पे झूठ पर मबनी है, इसलिए धोखा दे रहा है। जी बिल्कुल, साहब यही वो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मौकों को भी अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी उन्हीं लोगों में से है जिनमें इंसानियत का डर तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उन चीजों को जो दिल्ली बताता है, जो कश्मीर में कर्फ्यू है, जो कश्मीर की माए बहने जो है वो जुल्म ज्यादती का शिकार है। आप देखें कि एक तरफ इसी तरह जो अब लॉकडाउन दुनिया भर में हो रहा है, ये कश्मीर में तो पिछले 210 दिनों से जारी है जो लॉकडाउन दुनिया में, तो वो हमने आज दिखाया है कि आज एक पोस्टर हम बता रहे दिखाया है कि कश्मीर के लोगों की तरफ से एक पोस्टर आया है, डियर वर्ल्ड हाउ डू यू फील नाउ विद द लॉकडाउन, कि ये जब लॉकडाउन हम तो आज 224वें दिन हो गया है, तो उन वो तो बेचारे गरीब 224 दिन से लॉकडाउन है, आपको तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और कश्मीरियों का तो 224 दिन हो गए हैं, तो ऐसा जालिम आदमी आप अपने इंसान दोस्त बनना चाहता है। जी हमारा ख्याल था कि इनको हमें फायदा, देखिए अब ये चीज है कि ये जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसका कोई पहले से ना तो कोई होमवर्क मौजूद है, ना ये चीज है कि किस अंदाज में किया जाएगा। अब ईरान को देखें तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने कल जो है एक पैगाम भी चाइनीज जो सदर है उन्होंने ईरानी सदर को भेजा, तो भारत कर कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ क्रेडिट लेने की वो जो एक कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, क्रेडिट लेने के चक्कर में है, दुनिया की आलमी ताकतों को ये दिखाना चाहता है कि भारत ने ये इनिशिएटिव लिया है, भारत ने जनूबी एशिया के ममालिक को इकट्ठा किया है, भारत ने SAARC के ममालिक को इकट्ठा किया है, तो ये यकीनी तौर पर इसका कोई फायदा नहीं होगा और किसी तौर पर भी ये क्योंकि इससे कोई अमली इकदाम नहीं होने, सिर्फ ये हो जाना है और फिर भारत ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश करनी है कि देखिए हम तो इस मामले में तमाम जो रीजनल ममालिक हैं उनको साथ लेके भाई उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना वो उसको दबाना चाहता है बस ऐसे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब वजीर आजम आज या कल कौन से खिताब भी करने जा रहे हैं और वजीर आजम इस हवाले से कोरोना के हवाले से एक डिटेल अमल भी देंगे और इस हवाले से बताएंगे कि किस अंदाज में, और वजीर आजम के भी जो हमें जराये ने बताया वो यही उनकी तकरीर का जो वाज़े मकसद है कि कोई पैनिक फैलाने की या पैनिक में होने की जरूरत नहीं है, ये किस तरह की चीज है जिसको एहतियाती तदाबीर से जिससे बचा जा सकता है, और जो एक हमारे मुल्क में होता है कि लोग ज्यादा जल्दी पैनिक होके और फिर खरीदारी शुरू कर देते हैं और चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इस हवाले से हुकूमत जो है इब्तदाई तौर पर कोशिश कर रही है। मुस्लिम मिर्जा साहब, वायरस बीमारी अब एक ऐसी आई है कि जिसका अब इलाज इन हुक्मरानों को ना अमरीका में मिलेगा ना बरतानिया में मिलेगा, इन्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, तो बेहतर है कि यहीं पे रह के इसको बेहतर अंदाज में कंट्रोल करें और अल्लाह की रात से दुआ करें और इसके लिए बेहतरीन इकदाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंशिराजी साहब, गॉड ब्लेस यू। वो करते वजीर आजम खिताब करेंगे, अल्लाह ब्लेस यू। यस यार, वजीर आजम साहब खिताब करेंगे ताकि कौम पैनिक नहीं, तो मतलब है कि आपका कौम तो पिछले 19 महीने से पैनिक में है। देखिए अच्छा, आज आप मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आदमी सबसे पहला अल्लाह का हुक्म है कंसल्टेशन का, जी हुक्मरानी तो बगैर कंसल्टेशन के चल ही नहीं सकती, एक लिंच नहीं चल सकती है,
وہ اور وہ آپ نے وہ اس کے دروازے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں جہاں پہ بابا بابی والا معاملہ ہو وہاں پہ نہیں. آپ تو یہ ہے نا کہ وہ آج کل شرک کرتے پھر رہے ہیں, کچھ کوئی کوئی کچھ کرتا پھر رہا ہے, کوئی کچھ کرتا پھر رہا ہے, آپ کو کیا علاج کریں اس بات پہ؟ چلے آگے چلے, صبر کریں. اچھا جی, مقبوضہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر پر آپ چلے. اب تو چار کشمیری شہید ہو گئے, بھارتی فوج کی دہشت گردی ہے جی, گھر گھر جو ہے تلاشی لی جا رہی ہے, پانچ کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں, پانچ کیسز بھی رپورٹ ہو گئے. لیکن ایک اچھی خبر ہے کہ دہلی اسمبلی نے شہری قانون کے قوانین کے خلاف جو ہے قرارداد منظور کر لی ہے. پہلے کیرالا نے بھی کی تھی, ویسٹ بنگال نے کی تھی, اب انہوں نے کر دی ہے جی. اچھا, وہ بڑا اچھا انداز ہے ارون کیجریوال کا, وہ بےچارا چپل پہنے کھڑا ہوتا ہے, دھوتی پہنے کھڑا ہوتا ہے. ستر وہ بتا رہے ہیں کہ 70 ممبر ہیں اس وقت ارکان یہاں پہ ہال میں, اور انہوں نے ووٹنگ, انہوں نے پوچھا بھائی برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا بنا ہوا آپ کا, اب وہ دکھاتے ہیں ویڈیو, دکھاتے ہیں ویڈیو, دکھاتے ہیں مزیدار ویڈیو ہے جی. ایمانداری سے کل میں راگا سے پوچھا تھا اس کے پاس ہے, بتا رہا تھا کسی جس کے پاس ہے وپکش سمیت, جس کے پاس سرکار دوارا جاری کیا گیا جنم پرمان پتر ہے اپنی ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے, ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو, 70 لوگوں کی ودھان سبھا میں 61 لوگوں کے پاس جنم پرمان پتر نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں. کیول 9 لوگوں کے پاس وہ جنم پرمان پتر ہے. اب میں ان میں سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں میری دھرم پتنی, میرے ماتا پتا اور میرے دونوں بچے, بچوں کے ہیں, بچے دلی میں پیدا ہوئے تھے, اسپتال میں پیدا ہوئے تھے, میونسپیلٹی کا سرٹیفکیٹ ہے ان کا, باقی چاروں کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس وہ سرٹیفکیٹ جو یہ مانگ رہے ہیں. تو کیا دلی کے مکھیہ منتری کے پورے پریوار کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا؟ منیش جی کے پاس نہیں ہے, ابھی انہوں نے بتایا. ستیندر جین کے پاس ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہے. گوپال جی آپ کے پاس ہے؟ گوتم جی آپ کے پاس ہے؟ عمران خان ہے؟ کیلاش جی؟ پوری کیبنٹ کے پاس نہیں ہے. پوری کیبنٹ, کیا پوری دلی کی کیبنٹ ڈیٹینشن سینٹر میں جائے گی؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, آپ کے پاس اگر, میرے پاس بھی نہیں, ان کے پاس بھی جی. آخر میں انہوں نے اسپیکر صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ کا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی. تو اب یہ بتائیے, یہ حالت اگر ہے تو نہیں, 9 آدمی کے نکلے نا, 9 کے نکلے, 9 کے نکلے, 9 کے نکلے, تو آپ بتائیے آپ کے اس میں یہ حالت ہو اگر کہ اتنے, مودی کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نفرت کے بنا پہ مسلمانوں کو, بھائی دیکھیے اس آدمی کا جو ایجنڈا ہے اور یہ تباہ برباد ہو جائے گا مسلمانوں کو, جس کسی نے بھی چھیڑا ہے. دیکھیں انڈیا کے مسلمانوں کو کھڑے ہونا پڑے گا, ورنہ وہ مقبوضہ کشمیر والا حال ہوگا. آپ میری بات سن لیں, ایک ویڈیو ہے, نہیں ہو ایک ویڈیو ہے, بات سن لیجیے جی. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اردو اسپیکنگ ہے یہاں کے, یہ بھی اٹھے تھے نا جی, سارے شہر کو بند کر دیتے تھے, تو آپ یہ بات آپ نہیں کریں, یہ ہماری بلا ہے. اب یہ وہ لوگ بھی وہاں پر سارے, یہ ابھی بھی کچھ مغل بیٹھے ہیں, ابھی بھی کچھ خلجی بیٹھے ہیں, ابھی بھی کوئی جنہوں نے حکمرانی کی تھی, ابھی بھی بہت سارے کھٹک بیٹھے ہیں وہاں پر, اور وہ آپ فکر نہ کریں, ان کو صرف اٹھنے کی دیر ہے, وہ جاگتے دیر سے ہیں, وہ ذرا اپنے جو پاجامے کی اور اکڑ کی جو ابھی برقرار ہے ان کی, کہ لمبا پاجامہ پہنتے ہیں, شیروانی پہن کے اکڑ کے چلتے ہیں. پٹھان بھائی کو جس دن لگا اس کو بڑھچا, تو اس دن اس کو جوش آ جائے گا. دو ویڈیو ہے, ہاں دکھائیے. ایک پہ تو وہ گھر گھر جا کے لوگوں سے, ہاں اب دیکھیں یہ پتہ پوچھ رہے تمہارا کیا نام ہے, آہستہ آہستہ اس سے آگے بات بڑھے گی, ذہن فکر نہیں کریں, اللہ تعالیٰ اسی سے اٹھیں گے. اچھا وہ ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے بعد وہ جو ایک آر ایس ایس کے ایک رہنما ہے وہ کہہ رہا ہے ہم مار کے بھگائیں گے, اور دیر کاغذ تو آپ کو دکھانا پڑے گا. بہرحال وہ دو کلپ ہے, یہ ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. آپ کی شکایت ملی وہاں ایسی کیسے مل جائے گی بغیر, تو گئی نہیں وہاں, ایک جینٹس ہیں وہ کام کا اپنا چلے گئے, دو بچے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ انجو مانی. کیا کرتے ہیں؟ جی وہ ان کا فیکٹری ہے شہر میں. لو انجو والی, جی انجم. کیا نام ہے؟
मकान नंबर बताइए। फादर नेम क्या है जी? एनआरसी और सीए अभी तो सीए लागू किया है, उस पर अपनी महिलाओं को अपनी बहन बेटियों के सब सड़क पर उतारे हुए हैं। इन सबों को शर्म नहीं आती है? विरोध करना है तो तुम सीना खोल के आओ। अपने घर की महिलाओं को तो सम्मान से घर में रखा जाता है, केवल एक कानून के भय से ये पूरा परिवार पूरा घरवार आगे सड़क पर आ गया है। जिस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ ये जी नहीं पाएंगे। ये जो बोलता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज तो कब्र से निकल के उसके अब्बा भी दिखाएंगे, जो कागज नहीं दिखाएगा उसे भारत में नहीं रहने देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ओबैसी की पार्टी, ये सारे के सारे वही मुसलमान यहाँ भारत में रुके थे जो साजिश के तहत रुके थे 47 में, फिर से देश को बांटने के लिए, भारत पर इस्लामिक राज कायम करने के लिए। लेकिन मैं चुनौती देता हूं ओबैसी को, ओबैसी का अब्बा और उसका अब्बा जो कब्र में से भी निकल के आकर के भारत को अब कमजोर नहीं कर सकता है। और जो हिंदुत्व की ताकत है, मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरीके से ओबैसी बोलता था ऐसे लोग बोलते थे, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, कश्मीर से 370 समाप्त नहीं होने देंगे, करके दिखाया। और आगे वो दिन आएगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद ओबैसी की पार्टी के लोग बोलते हैं, उसी पाकिस्तान में भगवा फहराएगा। वो अफगानिस्तान जो हमारा था फिर हमारा होगा, वो बांग्लादेश जो हमारा था हमारा होगा, और हिंदुओं का राज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कायम होगा। जी मिर्जा साहब जी, तो अब ये कहा जा रहा है मुझे कि अब इस पे थोड़ा सा आप वाइंड अप वो कर लें, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है। जी भाई, बात यह है कि दहशतगर्दी जो है मोदी इस वक्त जो है उसको कवर ले रहा है, ये जो उसने आज सार कॉन्फ्रेंस की है उससे कवर ले रहा है। इसको हमें चाहिए था कि हम इसको कवर नहीं देते, हम कहते हैं कि जब तक आप इंसानों को जो मार रहे हैं, कोरोना तो मार रहा है, कोई कुदरती आफात है या मस्नूई आफात है, लेकिन आप तो इंसानों को मार रहे हैं, हम आपसे ताउन नहीं करते। जो इंसानों को मारने वाला हो उनको हम कैसे उससे कैसे ताउन करें? लेकिन डॉक्टर सफर मिर्जा साहब उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को दुनिया को दिखाना, अमरीका को दिखाना जरूरी होता है कि साहब हम इनको अपनी वकार रखना नहीं आता इनको। आप चीन से बात करते, आप ईरान से बात करते, आप कहते साहब हम तुम्हारे से बात ही नहीं करते, जाओ चलो, हमें क्या आने, मैंने क्या लेना है सार्क मुल्कों से जो सारे सारे इनके इंडिया के गोद में बैठे हुए हैं, हमें क्या उनसे लेना देना? अच्छा मेरे साहब, इतना जो कारोबार ख़राब हुआ है ना सयाहत का, $100 अरब का तो ब्रिटिश एयरवेज को लॉस है, $100 अरब का। आपका एक आपकी देखिए खूबी देखिए कि PIA का प्लेन अभी भी सऊदी अरब जा रहा है आ रहा है, तो आप पर तो अल्लाह की ऐसी बड़ी नेमतें हैं कि आपको बयान नहीं कर सकते। बड़ी तादाद में हमारे लोग फंसे हैं और वो शिकवा कर रहे हैं, जो कुछ भी हो इससे जाहिर है उनको लाना है भाई, आप फिर वही बात करते हैं, लेकिन एक वजह बना दी है। लेकिन आपका जहाज तो चल रहा है ना जी, पैसे तो आ रहे हैं ना आपको। सऊदी अरब वालों से कहें कि अल्लाह ताला के निज़ाम को मत छोड़ो, और सबसे पहले दुबई वालों को कूटो इनको, इन दुबई वालों ने यहाँ पर वो निज़ाम लगा दिया है वेदर मॉडिफिकेशन का, जिसकी वजह से बादल रुक जाता है और सारे हमारे मौसम को डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने यहाँ पर, जो हमारे जो आज मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो रावलपिंडी के अतराफ़ में जो है उस वक्त में एक एक फुट जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, सारी हमारी फसलें तबाह कर दी हैं। वो एक वीडियो है हमारे पास, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है, नहीं बारिश नहीं बर्फ़ पड़ी हुई है सारी, हमारे जो गेहूँ की फसल जो आइंदा साल आपको गेहूँ का की मुसीबत आने वाली है। नहीं वो तो इनकी गवर्नमेंट की वजह से पहले ही वो आने का खतरा है। ये बात नहीं है, बात ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन्होंने इस तरह का निज़ाम लगा दिया है दुबई ने कि बादल यहाँ रुक जाता है जी, और बादल रुक के बारिश होती है यहाँ पर, तो वो निज़ाम को आपको सऊदी अरब को चाहिए कि वो निज़ाम इनसे निकलवाए जी, और वो निज़ाम को नॉर्मल करें, उसको जो नॉर्मल जो आपके इलाके गर्मी के है उस गर्मी को बरकरार रखें। यहाँ पर आप उसको बनाना चाहते हैं यूरोप, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है इसलिए भाई कुछ भी हो रही है, लेकिन फिर उनका खानदान तबाह हो रहा है ना, अब उनकी वो शहजादी ने उनके खिलाफ मुकदमा कर जब दिया है, तबाह हो जाएगा तब इनको समझ आएगा, अभी नहीं समझ, तबाह तो होना है ना, वो तो बात वो हमने वीडियो चला दी है उसकी। अब वो मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।